जो दो साइंटिस्ट थे हेलबॉक एंड लिनार्ड, ठीक है, बहुत अच्छे दोनों बच्चे थे ये, बहुत मेहनत की इन्होंने, ठीक है, और बहुत ही जटिल काम करके दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने एक डिवाइस बनाया इसको स्टडी करने का, जिसके अंदर चार लक्ष्य रखे गए। कितने लक्ष्य रखे गए? चार लक्ष्य रखे गए कि लाइट की इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये जानना चाह रहे थे। लाइट की फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जानना चाह रहे थे। एक्सिलरेटिंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके जो साथ अप्लाई किया गया उसका भी क्या कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है, ये जानना चाहते थे। और चौथा, अगर अलग अलग मटेरियल की प्लेट्स यूज करते हैं, एमीटर प्लेट्स यूज करते हैं, तो क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ता है फोटो करंट पे, ये जानना चाहते थे। चार लक्ष्य रखे गए, और जिस चार लक्ष्य की पूर्ति के लिए डिवाइस डिजाइन किया गया, और वो डिवाइस किस प्रकार का सा था, उसकी हम यहाँ पे एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे कि कैसे उनको उसके बेसिस पर इन सब चीजों को स्टडी किया गया, ठीक है। तो एक वैक्यूम ट्यूब डिजाइन की, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसके अंदर वैक्यूम किया जा सकता है, ठीक है, उसको इतनी स्ट्रेंथ दी जाती है कि वो उसको अगर पूरा वैक्यूम कर दें तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को झेल सके। एक ऐसी ट्यूब डिजाइन की गई जो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को झेल सके। साइंस के बच्चों, साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है तुम्हें, तो एफ इज इक्वल टू एम जी भी सोच रहे कैसे निकल। नहीं, वो मैं सोच नहीं रही थी, वो मैं कैलकुलेशन कर रही थी। चलो मैं यहाँ पे डायवो बना रहा हूँ, डायग्राम एपरेटस का साथ के साथ बना लो। दिस इज एमीटर प्लेट, एनोड प्लेट, ठीक है। हियर वी हैव अ स्विच अरेंजमेंट कॉल्ड कम्यूटेटर, हाई टेंशन वोल्टेज और वोल्टेज से भी, एंड दिस इज सप्लाइड। हियर वी हैव ए माइक्रो एम्पियर मीटर, दिस इज अ काइंड ऑफ रियोस्टेट अरेंजमेंट। अभी ध्यान से सुनो, ये पॉइंट हम इस रियोस्टेट के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ती जाती है, और कितनी वोल्टेज बढ़ गई वो वोल्टेज हमें यहाँ वोल्ट मीटर से हम इसको रीड कर रहे हैं। सो दिस वोल्टेज गिव्स मी हाउ मच वोल्टेज इज बीइंग अप्लाइड टू द डिवाइस, ठीक है। अब अगर इसमें कोई सर्किट में करंट बन रहा है, वो करंट हम इस माइक्रो एम्पियर मीटर से स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस माइक्रो एम्पियर मीटर गिव्स मी दी करंट दैट एग्जिस्ट इन दिस फोटो ट्यूब, ठीक है। दिस इज द एमिटर प्लेट, दिस इज द एनोड प्लेट। एमिटर इसलिए बोल रहे कैथोड प्लेट, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल रखते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फोटो एमिट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, वो पॉजिटिव वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस प्रकार से बनाया गया। पर हम चाहते हैं कि रिवर्स करना है वोल्टेज, तो हम इस कम्यूटेटर से उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिंग अरेंजमेंट है कम्यूटेटर अरेंजमेंट से। ये एक विंडो बनाई गई है, विंडो पे बल्ब है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट हम यहाँ से इसमें थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसको पास रखेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बल्ब को दूर ले जाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी का इफेक्ट वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस वर्सेटाइल अरेंजमेंट के अंदर हम सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले टू स्टार्ट विद हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब दोनों सिरे एक ही जगह पर हो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिलेगा नहीं इसको, तो इसका मतलब इनिशियली हमने इस एपरेटस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं दिए, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस दिस फोटो ट्यूब। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस बल्ब इज लिट, इस बल्ब को ऑन कर दिया गया, तो क्या होगा, कुछ लाइट इस पे पड़ेगी, ठीक है। जो लाइट इस पे फॉल करेगी तो यहां से कुछ फोटो एमिशन होगा, जो फोटो एमिशन होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कंटिन्यूअसली निकलते जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच जाएंगे एनोड तक, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में भरे हुए होंगे, क्लाउड की तरह फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से रिपेल भी हो रहे होंगे, निकल ही नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, मगर जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच रहे होंगे। मतलब जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ सरफेस को लिट कर दिया गया, तो हमें कुछ फोटो करंट मिलता है। इज दी पॉइंट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग दिस, व्हेन देर इज नो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब एंड द बल्ब इज लिट, द लाइट इज मेड टू फॉल ऑन दिस कैथोड और एमीटर प्लेट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट एंड दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट एंड गैदर हेयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे गैदर हेयर, बट सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी एनर्जेटिक, ठीक है, दे हैपन टू रीच द एनोड प्लेट एंड गिव मी सम फोटो करंट, गिव मी सम फोटो करंट। वो फोटो करंट कहाँ से आएगा? यहाँ से चला ऐसे, यहाँ से इससे आया, इससे घूम के इस रास्ते वापस यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये कनेक्टेड होगा, ये समझ में आया? अभी बताया, ठीक है, ये मान लो ये कनेक्टेड है, स्विच होगा, ये या तो नीचे होगा या ऊपर की तरफ कनेक्टेड होगा, या तो दोनों ऊपर कनेक्टेड होंगे या दोनों नीचे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, इधर से है, इसमें से गए, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, अभी यहाँ से इस रास्ते वापस आए, इस रास्ते वापस यहाँ पहुंच गए, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। नहीं, नीचे जरूरत ही नहीं, ये तो शॉर्टेड है ना, बैटरी तो भी आई नहीं अभी बीच में, हमने अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। उस सिचुएशन के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐसे रोटेट किया हुआ, ठीक है, इज इट पॉइंट क्लियर? ये मैंने इलेक्ट्रॉन का पाथ पता है, करंट उल्टा चलता है, मालूम है ना, करंट का पाथ उल्टा चलता है, तो आपको कुछ करंट मिलेगा यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बेटा, बल्ब को मैं दूर ले जा रहा हूँ, बल्ब को दूर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, बल्ब को पास ला रहा हूँ तो करंट बढ़ रहा है, जो बल्ब के डिस्टेंस का इफेक्ट है वो ये है कि बल्ब को दूर ले जा रहे हैं तो करंट घट रहा है, और बल्ब को पास ला रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट गिविंग सम पोटेंशियल टू दिस ट्यूब, ठीक है, अब जब इसको मैं पीछे ले जाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव पोटेंशियल कुछ यहाँ पे अपियर होगा, और वो जो अपियर होगा वो कहाँ पे अपियर हो रहा है, इसके थ्रू यहाँ पे अपियर हो रहा है, और ये जो निगेटिव वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, ये घूम के कहाँ आ रहा है, ये इधर आ रहा है, कैथोड से आ रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है या निगेटिव पोटेंशियल है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू निगेटिव, बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सारे कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, ठीक है, अब जो बीच में आगे रुक रहे थे वो रुक ना रुक के वो भी पहुंच रहे हैं एनोड पे, क्योंकि दे आर बीइंग अट्रैक्टेड, ठीक है, तो पोटेंशियल अप्लाई करने का हमें क्या इफेक्ट मिला, हमें मिला कि करंट बढ़ गया, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग कलेक्टेड नाउ, सो वी गेट मोर फोटो करंट, फोटो करंट बढ़ गया और वोल्टेज बढ़ा देते हैं, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, यहाँ से 100 निकले, 100 के 100 कलेक्ट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे के सारे यहाँ कलेक्ट हो जा रहे, ये चीज क्लियर हो रही है? अब मैं वोल्टेज और बढ़ाता हूँ, और वोल्टेज बढ़ाने का कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, सारे तो इलेक्ट्रॉन करंट हो गया, वो किसको कनेक्ट कर, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं,
यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे के सारे यहाँ कलेक्ट हो गए। अब मैं वोल्टेज बढ़ा भी दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आने से, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गैदर्ड बाय द एनोड, दिस करंट व्हिच इज नॉट इंप्रूविंग एनी मोर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दिस वोल्टेज इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या कहलाता है? सैचुरेशन करंट कहलाता है, ठीक है। तो वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने से फोटो करंट एक सैचुरेशन लेवल को रीच हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फर्दर वोल्टेज बढ़ाने का कोई हमें लाभ नहीं मिलता, ठीक है। सो दैट लेवल ऑफ करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मान लो करंट है फोटो करंट I, and this is intensity of light. So what do we see here? There is a direct correlation between intensity and current. If I increase intensity, current also increases. If I decrease intensity, current also decreases. ठीक है, तो एक direct correlation है और ये current हम micro ampere में measure कर रहे हैं. This current is photo current. कैसा current बेटा? फोटो करंट, लाइट की वजह से आ रहा है इसलिए फोटो करंट, ठीक है। तो ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। क्लियर हुआ ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं इस डिवाइस के अक्रॉस, उसका फोटो करंट से क्या इफेक्ट आ रहा है वो चीज हम देखने जा रहे हैं। सो दिस इज वोल्टेज, दिस इज फोटो करंट, माइक्रो एम्पियर, दैट इज आई। माइक्रो एम्पियर बेटा, माइक्रो एम्पियर। अब देखो ध्यान से, हमने इसकी एक इंटेंसिटी फिक्स कर दी, इंटेंसिटी को हम चेंज नहीं कर रहे, इंटेंसिटी को हम चेंज नहीं कर रहे, हमने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई नहीं की है, तो एट जीरो अप्लाइड वोल्टेज एंड इस सर्टेन इंटेंसिटी हमें मान लो इतना करंट मिल रहा है, जीरो वोल्टेज पे इतना करंट मिल रहा है। वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ करंट, फोटो करंट, व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। बट जब हम वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हैं तो क्या हो रहा है? फोटो करंट बढ़ रहे, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गैदर्ड। तो जैसे वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो दिस करंट राइजेस, ठीक है, बट वेरी सून दिस विल बिकम हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन लेवल, ठीक है। करंट और बढ़ ही नहीं था, करंट राइज ही नहीं हो रहा ऊपर, ठीक है बेटा। अभी फिर ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसको जीरो कर दे रहे हैं वोल्टेज को, ठीक है। आ जाएगा करंट वापस यहीं पर आ जाएगा, इसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। बल्ब को दूर ले जा रहे हैं, बल्ब को दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो करंट भी कम होगा। हाँ बेटा, फोटो करंट भी कम होगा तो फोटो करंट कितना हो गया, मान लो इतना हो गया। क्या कर रहे हैं, बल्ब को दूर ले जा रहे हैं, इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। एट रिड्यूस्ड इंटेंसिटी वी फाइंड दैट फोटो करंट इज ऑल्सो लेस, ठीक है। एंड नाउ इफ आई अप्लाई वोल्टेज, हाउ दिस करंट विल वेरी। अब अगर मैं यहां से वोल्टेज देना शुरू करता हूं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो करंट उसी प्रकार से बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। मीन्स on the application of voltage, current will rise like this and will saturate. तो उसी लेवल पे मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा करोगे तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जल्दी जल्दी निकलेंगे। निकलेंगे क्यों जल्दी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा फोर्स से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जो भी होगा। नहीं, क्यों निकलेंगे? मीटर में से अगर आप
अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रिकलिंग नहीं उससे नहीं निकल रहे, उससे नहीं निकल रहे, वो ना बात अलग है, वो बात अलग है, उससे नहीं निकल रहे, उसकी वजह से नहीं निकल रहे, ये फील्ड सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहा है जो पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो लाइट के गिरने की वजह से निकल रहे हैं, ठीक है। वो ठीक है, चलते इधर आ जा, एक गेम खेलते हैं। अब मैं जब तेरे को पेन पकड़ाऊंगा, ठीक है, ये पेन तेरे को इस डब्बे में रखना, ठीक है, ठीक है, रख तो दिया, अगर तू छीनना शुरू किया वो फील्ड एमिशन हो जाएगा, जो मैं तेरे को दे रहा हूँ ये फोटो एमिशन है। तो वोल्टेज सिर्फ ये डिसाइड कर रही है कि तुम कितनी फास्ट उस डब्बे में पेन को रख रहे हो, तुम स्लोली भी रख सकते हो, तुम फास्ट भी रख सकते हो, ये वोल्टेज सिर्फ ये बता रही है कि तुम कितनी फास्ट उसमें डब्बे में रख रहे हो, ठीक है, मगर कितनी फास्ट मैं तो आपको दूंगा पेन ये वोल्टेज वो चीज डिसाइड नहीं कर रही। वो तो चीज ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करे तो वो जो ग्राफ बना है वहाँ पे करंट का, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जल्दी पहुंचेंगे एनोड की तरफ, करेक्ट निकलने के बाद कलेक्ट फास्ट हो जाएंगे, कलेक्ट फास्ट हो जाएंगे, हाँ, तो कुछ करंट का रेट नहीं बढ़ेगा उसका, बढ़ाना ये बढ़ाना, तो वो ये बढ़ाना इंक्रीज हुआ ना, ये लेवल इंप्रूव हुआ ना, ठीक है, इसी को सैचुरेशन तो कहते हैं। बल्ब क्या कर रहे हैं और वोल्टेज क्या कर रही है, बल्ब सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करा रहे, वोल्टेज कलेक्शन का काम कर रही है, वोल्टेज विल नॉट कॉज द फोटो एमिशन फ्रॉम द प्लेट, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसलिए फोटो करंट इंप्रूव हो रहा है, इसलिए कुछ वोल्टेज के पहुंचने पर यहाँ सेचुरेशन आ जा रहा है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गैदर्ड, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, स्कोर पास ले आता हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबमिट करने लग जाएंगे, फोटो करंट विल इंप्रूव, ठीक है। अब वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो सेम बिना वोल्टेज के, अगर इतना फोटो करंट हमें मिल रहा है, अब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो दिस विल ऑल्सो इंप्रूव, ठीक है, दिस विल ऑल्सो इंप्रूव, ये यहाँ पे सैचुरेट होगा, दिस इज आई वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज आई टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज आई थ्री इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपको, आई स्टैंड फॉर करंट, आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी, दोनों का काम कर रही है, तो कॉन्टेस्ट से आपको पहचानना है कहाँ पे करंट की बात हो रही है और कहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। सो आई वन आई टू आई थ्री आर थ्री इंटेंसिटीज ऑफ लाइट फॉर विच दिस ग्राफ शोइंग द फोटो करंट बिहेवियर। अब आई वन आई टू आई थ्री में से कौन बढ़ा, सोच रहे थे, सोच रहे जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने, बोल रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ाने पे ये करंट मिल रहा है और आई इंटेंसिटी है, तो कौन बढ़ा, ये ग्राफ आता है पेपर में और सिंपल पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई वन आई टू आई थ्री, तो उसका आंसर आपको यही देना है, जो ऊपर है आई वन इज ग्रेटर देन आई टू इज ग्रेटर देन आई थ्री। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसा ग्राफ आता है, तो ये ऐसे अलग अलग आगे पीछे करके रोल करके दिया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको इस प्रकार से चुनना है। दिस इज ग्राफ क्लियर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, इसमें भी डाउट है, हमें वापस जीरो कर देते हैं, वोल्टेज जीरो कर देते हैं, वापस हम आ जाते हैं आई थ्री इंटेंसिटी पर, कम्यूटेटर को शिफ्ट करने से क्या चीज बदलने वाली है, इस ट्यूब के अक्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो बदलने वाली है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्सल हम इस कम्यूटेटर की मदद से ही करते हैं, ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं रहने वाला, ये पॉजिटिव नहीं रहने वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पहुंच गया, अब ये पॉजिटिव वाला इधर से इधर आ गया, सो दिस इज गोइंग टू गेट पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव साइड वाला ये इधर से इधर आ गया, एनोड इज गोइंग टू गेट नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, कम्यूटेटर चेंज करके हमने पोलैरिटी रिवर्सल का अरेंजमेंट बना लिया।
अब अगर मैं यहां से वोल्टेज बढ़ाता हूं, अभी जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे कुछ चेंज वेंज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई ही नहीं है, ठीक है, तो ये करंट इतना ही रहेगा, ठीक है। बट जब रिवर्स वोल्टेज हम लगाना शुरू करेंगे, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव वोल्टेज देना शुरू करेंगे, तो फील्ड कैसा सेट होगा, फील्ड उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, डिसीलरेट करेगा, डिसीलरेट डिसीलरेट करेगा। इनमें जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सबसे पहले रुक जाएंगे, और रुकने के बाद क्या, वापस एक्सीलरेट होंगे, और जब वापस एक्सीलरेट होंगे रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो इसका इफेक्ट फोटो करंट पे क्या आएगा, जब वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे, ठीक है, फोटो करंट था मेरे पास इतना, मैंने रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, कम लगाया, ठीक है, एज अ रिजल्ट जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन थे वो रुक गए, वापस आ गए। इसका इफेक्ट फोटो करंट पे क्या पड़ने वाला है, अभी मैंने बोला क्या है आपको, इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है इसका आंसर करना, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन रहे थे, ठीक है, अब वोल्टेज रिवर्स करने से 100 में से 78 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 22 रुक गए, तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इतनी देर क्यों लगी ये बोलने में, बोल रहा हूं कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं, तो कमी तो होगा। हाँ बेटा, रिवर्स वोल्टेज लगाने से करंट क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस प्रकार से मैं अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाता हूं तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे, ठीक है, तो हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो करंट और कम हो जाएगा, तो रिवर्स करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा तो सबसे जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भी रुक जाएगा, ठीक है, जब वो भी रुक जाएगा तो करंट मेरा डिसअपियर हो जाएगा, करंट विल बिकम जीरो, सो दिस विल रिड्यूस, कीप ऑन रिड्यूसिंग एंड इट विल स्टॉप एट ए पॉइंट कॉल्ड वी नॉट, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, वापस जो रिवर्स वोल्टेज करी थी इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, लाइट की इंटेंसिटी ले आते हैं आई टू पे, बल्कि इंटेंसिटी कहाँ ले आते हैं, आई टू पे ले जाते हैं, ठीक है। I1 सबसे कम, I3 सबसे कम था, दूर था बल्ब, पास ले, ठीक है, I2 पे आ गए और पास ले आए तो I1 हो जाएगा, ओके। तो अब हम I2 वाली स्टेज पे आ जाते हैं, तो करंट हमें इतना मिल रहा है, एंड वी रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन, जहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं रिवर्स वोल्टेज, एंड वी वॉच दी चेंजेस इन फोटो करंट, वी व्हाट डू वी फाइंड, दिस फोटो करंट इज अगेन रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होते होते कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, वी नॉट पे जाके ही खत्म हो रहा है, ये चमत्कार है। हाँ, वो तो ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ रहा था ना, कौन, किसने बोला, I2 वाली इंटेंसिटी वाले, आपने नहीं किसने बोला, ये तेरी अजम्पशन है, तो बोला ना। ये तेरी अजम्पशन है, मैंने तो नहीं बोला, आई नेवर सेड दिस वर्ड दैट दे हैव मोर एनर्जी एट हायर इंटेंसिटी, ये नहीं बोला मैंने, अभी बोलूंगा तब ध्यान रखियो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इंटरप्रेट करो, नहीं समझ में आ रहा डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, कि जो कट ऑफ वोल्टेज है जहां पे करंट खत्म हो रहा है, वो इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी पे भी सेम वोल्टेज पर ही मिल रहा है, फिर अगेन वी रिड्यूस दिस टू जीरो, और वापस इसको और पास ले आते हैं, इंटेंसिटी I1 पे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं, तो व्हाट डू वी फाइंड, ये वापस आके इसी पॉइंट पर आके करंट जीरो हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस स्टडी, फोटो करंट इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी, फोटो करंट इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी और डिक्रीजेस विद द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम करेंगे तो वो हमने पहले पहले ग्राफ में भी चेक कर लिया था,
ठीक है, इसमें भी हमें सेम चीज मिल रही है. फोटो करंट सैचुरेट्स व्हेन वी गिव पॉजिटिव वोल्टेज टू द एनोड, बट फोटो करंट रिड्यूसेस व्हेन वी गिव नेगेटिव वोल्टेज टू द एनोड. इफ यू रिवर्स द वोल्टेज फोटो करंट स्टार्ट रिड्यूसिंग. ठीक है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी रहो, करंट जीरो एक ही जगह एक ही सर्टेन वोल्टेज पे जाकर हो, एट ए सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज. कौन सी वोल्टेज? कट ऑफ वोल्टेज. एट ए सर्टेन कट ऑफ वोल्टेज द करंट रिड्यूसेस टू जीरो, द करंट डिसअपीयर्स. अब यहाँ पे कुछ समझने की बातें, यहां से यहां तक करंट रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे करके. ठीक है, इससे ये बात समझ में आती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं इन सबके पास सेम एनर्जी नहीं है, इन सबके पास सेम एनर्जी नहीं है. ठीक है, देखो सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं. अब लाइट रे आई सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकला. लाइट रे आई उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, वो लैटिस की सेकंड लेयर में गई, थर्ड लेयर में गई, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिला, उस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्सॉर्ब किया, उसको एनर्जी मिली. पहले तो वो सरफेस पे आया, अंदर से सरफेस तक आने में उसने अपनी एनर्जी खर्च की, फिर बची हुई एनर्जी से वो बाहर आया. क्योंकि बची हुई एनर्जी से बाहर आया तो कम एनर्जी से बाहर, और अंदर की लेयर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और बाहर आते आते उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जा रही है तो फिर वो सरफेस तक आके रह जाएगा. मतलब फोटो एमिशन के अंदर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जीरो एनर्जी से वो मैक्सिमम एनर्जी तक होगी. ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम जीरो एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होंगे. ठीक है, तो थोड़ी सी रिवर्स वोल्टेज से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहले रुक जाते हैं, और रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं तो और उससे अधिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, और रिवर्स करते जा रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकते जा रहे हैं, और मैक्सिमम कट ऑफ वोल्टेज पे पहुंच जाए तो हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है. जब सारे ही इलेक्ट्रॉन रोक दिए तो फिर फोटो करंट किस बात का? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय दिस रिवर्स कट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो फिर ये कहानी इंटेंसिटी के साथ करंट क्यों वेरी कर रहे, इंटेंसिटी के साथ करंट क्यों वेरी कर रहे? ठीक है, इंटेंसिटी के साथ करंट इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि ज्यादा लाइट की रेज सरफेस पे आ रही है. हाई इंटेंसिटी में ज्यादा लाइट रेज सरफेस पे आ रही है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रही है, और जब इंटेंसिटी कम है तो कम लाइट की रेज सरफेस पे आ रही है इसलिए वो कम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पा रही है. ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट कर रही है इसलिए हमें करंट का लेवल डिफरेंट मिल रहा है. ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन इट उससे. थर्ड फेज में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से इसको दोबारा से रिपीट किया गया. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, दिस इज वोल्टेज, दिस इज फोटो करंट. ठीक है, अब यहां पर इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रहे, इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दी, इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं. क्या चेंज कर रहे हैं? कलर चेंज कर रहे हैं. ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ किस लाइट की होती है? शॉर्टर वेवलेंथ किस लाइट की होती है? ब्लू की होती है. लार्जेस्ट वेवलेंथ किस लाइट की होती है? रेड की होती है. बीच के वेव्स बीच की वेवलेंथ होगी. ठीक है, किस ऑर्डर में होती है? वो वेब्योर में होती है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड. ठीक है, तो हम ये कलर का वेरिएशन इस ऑर्डर में करेंगे और फिर देखेंगे फर्क क्या आ रहा है.
ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो फिल्टर लगा हुआ है इसके आगे, ये व्हाइट लाइट का बल्ब है, इसके आगे फिल्टर लगा दिया, ठीक है। फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और कलर के चेंज होने से यहाँ क्या मिल रहा है वो चीज हमें चेक करनी। ओके, तो एट ए सर्टेन इंटेंसिटी, जीरो वोल्टेज, सब कुछ जीरो कर दिया, यहाँ पे जीरो वोल्टेज कर दिया, इसको वापस पहले नॉर्मल स्टेट में रखेंगे, फिर रिवर्स में चेक करेंगे, दोनों काम करने होते हैं, ठीक है। तो पहले नीचे रखा, ठीक है, और इसमें इफेक्ट देखेंगे। सो पहले हमें क्या मिलेगा, कुछ फोटो करंट मिलेगा, जीरो वोल्टेज, नॉर्मल स्टेट, और जहां से इंटेंसिटी हमने छोड़ दी, लाइट आ रही है, तो कुछ फोटो करंट हमें मिलेगा, ठीक है। अब बिकॉज हम इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रहे, ठीक है, मगर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट विद दिस, हम इसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सैचुरेट होगा, दिस करंट विद पॉजिटिव वोल्टेज सैचुरेट। यहाँ पे हम जीरो वोल्टेज पे वापस जीरो वोल्टेज लाते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ छोटी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ छोटी कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या मिलेगा, ये फोटो करंट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर होता है, मगर वोल्टेज अप्लाई करने पे सेम लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाता, तो सैचुरेट एट द सेम लेवल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, मगर सैचुरेट नहीं जाके होगा, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए सैचुरेशन लेवल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से थोड़ा उनकी एनर्जी में फर्क आ रहा है, ओके, समझ आया ये। अब रिवर्स में क्या फर्क आता है वो देखिए, नाउ व्हेन वी रिवर्स दिस, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वन पे आ जाते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, ठीक है, और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर, तो हाउ दिस करंट विल चेंज, करंट विल फॉल लाइक दिस, यहाँ खत्म होता है, V नॉट वन, दिस इज न्यू वन, फिर वापस इधर ले आते हैं, जीरो वोल्टेज कर देते हैं, यहाँ से इंटेंसिटी सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, न्यू टू पर आ जाते हैं, ठीक है, और फिर से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो व्हाट डू वी फाइंड, this will stretches like and stops here, this is V02 for frequency 2, फिर क्या करो, फिर वापस वोल्टेज जीरो कर दी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी फिर चेंज कर दी, अब चेंज करने के बाद फिर से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, और इसमें हमें क्या मिला, दिस रिवर्स वोल्टेज स्टिल इंक्रीजेस एंड गोज टू V03, This is new 3. यहाँ new 3, new 2, new 1. इसमें भी रिलेशन पूछा जाता है तो आपको बताना है, third, new 3 is greater than new 2 is greater than new 1. ये रिलेशन है इनमें, ठीक है, एंड देयरफॉर V03 is greater than V02 is greater than V01. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में नेगेटिव वोल्टेज होती है या रिवर्स वोल्टेज है, हाँ जी, ये बातें समझ में आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम फ्रीक्वेंसी है तो कट ऑफ वोल्टेज जल्दी रीच हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने की वजह से कट ऑफ वोल्टेज बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब कट ऑफ वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, कट ऑफ वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, इसका ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ रही है, ठीक है, ये चीज हमने फिर चेक की, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और उसके बाद क्या क्या पाया हमने, रिवर्स वोल्टेज और बढ़ानी पड़ी, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज जो है वो एक
फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें एक भयानक ऑब्जर्वेशन होगी, उन्होंने ये भी देखा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो करंट आता ही नहीं है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, जैसे आप ग्रीन पर आ गए, ग्रीन पर फोटो करंट आ ही नहीं रहा, ब्लू पे आ रहा है, इंडिगो पे आ रहा है, वायलेट पे आ रहा है, सब पे आ रहा है, ग्रीन पे करंट नहीं आ रहा। अब ग्रीन पे करंट नहीं आ रहा, उनको लगा इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, भयानक कर दी, फुल कर दी, तो भी करंट नहीं आ रहा, ठीक है। और जैसे ग्रीन से ब्लू करते हैं करंट आ जाता है, पर करंट क्या आ जाता है, इंटेंसिटी कम करते जाते हैं तब भी करंट रहता है, कम इंटेंसिटी पे भी करंट रहता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट से डायरेक्ट रिलेशन है, एक फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो करंट नहीं आता है, और उससे हायर फ्रीक्वेंसीज पे सब पे करंट आता रहता है, चाहे इंटेंसिटी लो, ठीक है। तो मतलब एक जैसे हम कट ऑफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ऐसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन बातों के साथ मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।